बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलदार हसन है। दिलदार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन टिक्का बोटी। तो कैसे बनती है मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे बड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मैंने ले लिया है चिकन, इसको हमने इस तरह काट लेना है। देखिए इसकी छोटी छोटी बटियां कर रही है। इस तरह पहले इसे काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये बहुत ही आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। देखें इस तरह अब इसके छोटी छोटी बटियां कर लेते हैं। जैसे ये तैयार होती है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह बटियां इनकी छोटी छोटी कर लेनी है। इस तरह ये देखें, ये मैंने कर लिया। तो ये जैसे ही तैयार होते मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने चिकन की काट लिया, इसकी छोटी छोटी बना लिया। तो अब मैं इसे एक प्लेट में डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह प्लेट में इसे डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी। हम इसको नीचे रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने नीचे रख दिया, इसको साइड पर डाल लेते हैं। एक और मटर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का। और अब मैं इसमें डालूंगा ये मसाले। देखिए इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने डालना है एक चम्मच टिक्का मसाला, इस तरह। और एक चम्मच नमक डालना है। और इसमें आपने डालना है एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच भर के। और इसमें डालना है ये चाट मसाला एक चम्मच। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप इसमें दो चम्मच सूखी मिर्च डालनी है। ये देखें इस तरह इसमें दो चम्मच सूखी मिर्च डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह दो चम्मच इसमें सूखी मिर्च डालनी है। और एक चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं डालूंगा ये सोया सॉस जो मैंने लिया है एक चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें डाल देंगे। और अब मैं डालूंगा इसमें सिरका, ये देखें जो मैंने आधा चम्मच लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह। और अब मैं इसमें डालूंगा ये दही जो मैंने लिया है चार से पाँच चम्मच। इसमें ये आधी अभी डालेंगे इस तरह। ये मैंने डाल दिया। अब इन मसालों को हम मिक्स कर देंगे। जैसे मिक्स करते हैं इस तरह अच्छी तरह चिकन जो पहले से मैंने काट लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह चिकन डाल देना है। और अब मैं इसको भी अच्छी तरह मसालों में मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह ये जैसे मिक्स होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने चिकन मिक्स कर लिया है मसालों में, चिकन मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बाहर निकालना है। देखें इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का वो बहुत ही अच्छी बनेगी माशाल्लाह। ये देखें इस तरह बाहर निकाल लेना है इसको। ये देखें तो इसे मैंने ये बाहर निकाल लिया है। तो ये देखें इसे एक घंटे के लिए मैं रख देता हूँ। तो एक घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। तो अब हमारा एक घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैंने तीन सीके ली हैं इनको। ये देखें इस तरह इसमें एक बोटी डालनी है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने इसमें एक बोटी डालनी है। बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें आप डालना है शिमला मिर्च। ये देखें इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह शिमला मिर्च इसमें डालनी है। और अब मैं इसमें डालूंगा ये एक और बोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह एक और इसमें बोटी डालनी है। और अब मैं इसमें डालूंगा ये प्याज इस तरह। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन रही है। अब इसमें एक और बोटी डालेंगे। ये देखें इस तरह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखें अब मैं इसमें डाल रहा हूँ प्याज। देखें इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये मैंने प्याज डाल दिया। अब मैं इसमें एक और मटर डालूंगा। तो ये जैसे तैयार होते मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये जैसे तैयार होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने सीख के बना ली है। ये देखिए, तो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख लेता हूँ। अब मैं इसमें डालूंगा घी, एक कप घी डालना इसमें। ये बहुत ही अच्छी बनेगी माशाल्लाह। ये देखिए इस तरह एक कप इसमें घी डालना आपने, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरह घी डालना इसमें एक कप, आप भी अपने घर में बनाए बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरह, तो इसमें ये घी डाल देना है इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। जैसे कि हमारा गर्म होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक हमारा घी गर्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने, तो माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। आप मैं इसमें डालूंगा के ये जो मैंने स्टीम बना कर रखे थे। देखिए इस तरह बनेंगे इस तरह। ये दूसरा भी इस तरह डाल देना इसमें रख देना। तो 10 मिनट एक साइड पकने में लगते हैं। तो ये 10 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने सैंड को भी डाल दिया। तो पहले वाली जो सैंड थी वो तैयार हो चुकी है। अब दूसरी जो सैंड मैंने भी डाल दी है वो जैसे तैयार होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले वाली सैंड तैयार हो चुकी है, जो दूसरी मैंने सैंड कर दी है वो तैयार हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जो हमारी रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनेगी। उम्मीद है आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। तो अब मैं अपने आपको बंद करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहीम इस तरह बंद कर दिया मैंने। तो अब मैं इसे बाहर निकलता हूँ। बिस्मिल्लाह रहीम ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। कितनी मज़े की बनी है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह ये आज की जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। तो अब मैं डिश तैयार करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखें डिश हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भला भैया को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक ज़्यादा पहुँच सके। आप हमारे चैनल भला भैया को सब्सक्राइब कर दें। जो आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार है हम आपके छोटा भाई मोहम्मद दिलदार। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।